आज हम बात करेंगे मैच नंबर 24 की आईपीएल की। ये मैच जो है होगा 29 अप्रैल 2021 को थर्सडे का दिन होगा और साथ ही साथ दोपहर का ये मैच रहेगा, यानी लगभग 3:30 बजे ये मैच जो है शुरू होगा। ये मैच जो है मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स होगा। तो अगर देखा जाए इस मैच में दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस विषय में बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि दोनों ही टीम्स के इस मैच को लेकर के सितारे क्या कहते हैं। तो देखा जाए सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है रोहित शर्मा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1987, यानी इस दिन इनका जन्म दिवस भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनका अगर हम डेस्टिनी नंबर की अगर बात करें तो डेस्टिनी नंबर इनका 4 बन रहा है, यानी राहु का इनका डेस्टिनी नंबर बन रहा है। वहीं पे इनकी कुंडली की अगर हम बात करें तो इनकी कुंडली धनु लग्न की कुंडली है और साथ ही साथ इनकी राशि जो है वो तुला है। महादशा राहु की चल रही है जो फरवरी 2034 में समाप्त होगी। बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है जो जुलाई 2021 में समाप्त होगी। वहीं पे अगर हम इस दौरान की प्राण दशा की बात करें, यानी जब ये मैच चल रहा होगा तो प्राण दशा इनकी मंगल की चल रही होगी। मंगल इनका 6th हाउस का है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी और साथ ही साथ कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी, तो इनकी परफॉर्मेंस जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत खास देखने को नहीं मिलेगी, मगर हाँ ये अपना बेस्ट देने का प्रयास जरूर करेंगे। वहीं पे जो प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से, कृणाल पांड्या, सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ किरण पोलार्ड, ये जो प्लेयर्स हैं ये काफी हद तक अपना प्रदर्शन जो है अच्छा दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस की बात करें कि मुंबई इंडियंस किस तरह का प्रदर्शन दिखाएगी, तो देखा जाए मुंबई इंडियंस को एफर्ट्स लगाने की बहुत ज्यादा इस समय पर जरूरत पड़ेगी। खासकर अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के विकेट्स जो हैं बहुत जल्दी जल्दी ये लॉस हो सकते हैं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस जो है प्रदर्शन अपना अच्छा दिखाएगी, मगर कहीं ना कहीं बहुत खास स्कोर नहीं बनेगा इस मैच में। ये मैच जो है थोड़ा जल्दी ही खत्म होने की संभावना भी बन रही है। इसके अलावा इसके खेलने वाली अगेंस्ट टीम यानी राजस्थान रॉयल्स की हम बात करके चलें, तो राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है संजू सैमसन, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये है 11 नवंबर 1994। इनकी अगर डेस्टिनी नंबर की बात करें तो इनका डेस्टिनी नंबर जो बन रहा है ये बन रहा है 9, यानी मंगल का डेस्टिनी नंबर है। वहीं पे इनकी कुंडली की अगर हम बात करें तो मकर लग्न की कुंडली है और कुंभ इनकी राशि है। महादशा बृहस्पति की चल रही है जो जून 2028 में समाप्त होगी। अंतरदशा शुक्र की चल रही है जो दिसंबर 2022 में समाप्त होगी। प्राण दशा की बात करें तो इनकी प्राण दशा इस मैच के दौरान राहु की चल रही होगी, जिसकी वजह से इनके परफॉर्मेंस में भी काफी हद तक उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें प्लेयर्स की तो जयदेव उदयकांत जो है इनका प्रदर्शन काफी हद तक अच्छा देखने को मिल सकता है। शिवम दुबे, जोस बटलर और डेविड मिलर, इनका प्रदर्शन आपको राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अच्छा देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि टीम जो है राजस्थान रॉयल्स वो कैसा प्रदर्शन दिखाएगी, तो देखा जाए राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन भी काफी हद तक अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि वही बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार मुंबई इंडियंस बहुत हाई स्कोर नहीं बना पाएगी, उसी तरह से राजस्थान रॉयल्स का भी स्कोर बहुत हाई नहीं रहेगा, फटाफट से इनके विकेट्स भी लॉस हो सकती हैं। तो मैच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में रहेगा, चेंजेस बहुत सारे मैच में आएंगे और हो सकता है कि एट द एंड जो है मैच वन साइडेड भी हो जाए। अगर हम बात करें टॉस जीतने की तो टॉस जो है मुंबई इंडियंस टॉस जीत सकती है, मगर वहीं पे अगर हम बात करें कि इस मैच को, मैच नंबर 24 को कौन सी टीम जीत सकती है, तो चांसेस जो है थोड़ा सा ज्यादा अगर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के लग रहे हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा, मुंबई इंडियंस पूरे पूरे एफर्ट्स लगाएगी अपने, मगर कहीं ना कहीं अगर मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग कर लेती है तो राजस्थान रॉयल्स जो है अपना प्रदर्शन और भी ज्यादा खास दिखा करके इस मैच को जीत सकती है। हालांकि ये मैच जो है बहुत चेंजिंग्स में रहेगा, तो देखते हैं कैसा रहेगा ये मैच और कौन सी टीम विनिंग रहेगी। तो और भी ऐसी प्रेडिक्शंस देखने के लिए आई